Hi, so good evening everyone. आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन है वो है व्हाई यू शुड बी देयर इन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों पढ़ेंगे, कंप्यूटर में क्यों आएंगे, फ्यूचर क्या है, IBM टेक्नोलॉजी का रोल्स क्या है। सो स्लोली वी विल सी एवरीथिंग वन बाय वन। सो अ वॉर्म वेलकम टू ऑल कैरियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। सबको हम हार्टली वेलकम करते हैं यहाँ पे गणपत यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो अगर आप 20 साल पहले की जनरेशन को सोचें तो 20 साल पहले बच्चों के दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे 12th पास करना है और मुझे कोई कोर्स में ज्वाइन करना है, या इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कुछ भी। पर वो लोग उससे आगे ज़्यादा नहीं सोचते थे। बट इफ़ यू सी टूडेज जनरेशन, तो आज की जनरेशन के दिमाग में सपने रहते हैं, दे हैव देयर ओन ड्रीम्स कि मेरे सपने ये है, मेरे सपने वो है। तो कैन आई आस्क दी ऑडियंस टू राइट देयर ड्रीम्स इन दी चैट इफ इट्स पॉसिबल। तो जनरली अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के ड्रीम क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दैट वी कैन सी। तो चैट में हमें कुछ मिला है। यस, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द ड्रीम्स। सम आर सेइंग डेवलपर, ओके, देन कंप्यूटर इंजीनियर, करेक्ट, ग्रेट। तो आप कंप्यूटर इंजीनियर तो बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी आगे बहुत कुछ है, वो हम जरा देख लें एक बार। तो स्टूडेंट्स के ड्रीम्स में क्या हो सकता है, लेट अस सी। यू कैन हैव सम ड्रीम जॉब्स कि जहाँ पे आप जॉब करना पसंद करेंगे आफ्टर बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सम स्टूडेंट्स हैव टारगेट कि वो लोग MNCs मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना चाहते हैं, TCS, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, साइबेज एटसेट्रा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है, टेक महिंद्रा वगैरह, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। दैट आर दी MNCs इन विच स्टूडेंट मे विश दैट आई वुड वर्क इन दीज कंपनीज। स्टूडेंट की ये भी हो सकती है इच्छाएं कि मैं पैकेज ओरिएंटेड मतलब कि अच्छी सैलरी पे काम करूं, चाहे वो कंपनी MNC हो या ना हो, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ पैसों से लेना है कि अगर मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए तो आई वुड नॉट इवन लाइक टू ज्वाइन दी MNC। देन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी इच्छा होती है कि मैं हमारे देश की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें काम करूँ, लाइक ISRO, DRDO, IPR, स्पेशल मिशन पे काम कर रही है सब सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पे वो लोग काम करना चाहते हैं। ऐसे मिशनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स भी अपने कुछ ख्वाब लेके बैठे हैं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे ख्वाब लेके बैठते हैं कि मैं टेक जायंट्स में काम करना चाहता हूँ, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, IBM एटसेट्रा। सो सच काइंड ऑफ ड्रीम जॉब्स, दीज आर दी जॉब्स। तो आपके सपनों में एक है जॉब, तो जॉब के इतने टाइप्स हो सकते हैं, आप इनमें से किसी भी एक जगह पे लैंड अप हो सकते हैं, राइट। अगर जॉब नहीं है तो दूसरा ख्वाब ये होता है स्टूडेंट्स का, मैं हायर स्टडीज करूंगा। हायर स्टडीज में क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट जा सकते हैं अब्रोड, दैट इज USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वहाँ पे जाके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, एंड देन दे डू जॉब एट द सेम कंट्री, वहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर दे गेट बैक टू इंडिया। अगर ये नहीं है तो हायर स्टडीज में कुछ स्टूडेंट्स ऐसा टारगेट रखते हैं कि मैं इंडियन IITs में जाना चाहता हूँ, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, जिसमें आपको गेट एग्जामिनेशन कंप्लीट करना एसेंशियल है, ओके। अगर ये वो नहीं है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो मैं इंडियन NITs में जाऊंगा, NITs में जाके काम करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद अपने करियर का ट्रैक थोड़ा चेंज करते हैं, दे डू गो इन दी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पे जाके वो लोग दूसरे जॉब रोल्स पसंद करते हैं। तो
हायर स्टडीज में इतने ऑप्शन तो है, इससे अलावा भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं, पर अभी हमने थोड़े बहुत लिस्ट आउट किए हैं। ओके, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के ड्रीम का ये हो सकता है कि दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, राइट, जिसमें वो लोग या तो अपना कोई नया स्टार्टअप ओपन करते हैं, जैसे हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप्स, अपने खुद के आइडियाज लगाते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का ख्वाब रखते हैं, उसमें वो लोग सोचते हैं कि कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आई विल स्टार्ट माई ओन कंपनी एंड आई विल हायर दी अदर इंजीनियर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी जस्ट फ्रीलांसर, तो वो ऑनलाइन काम लेते हैं और उनको काम सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट्स अपने इंटरेस्ट एरिया में करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लोग होम ऑटोमेशन, स्मार्ट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इस सब में काम करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, इस जिसमें आईओटी इज नाउ द की एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड। तो ये सारे तीन टाइप्स के मेजर ड्रीम्स हो सकते हैं एक स्टूडेंट के जो इंजीनियर बन के करना चाहता है, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें से कहीं ना कहीं आपका गोल भी दिखा होगा आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर नहीं दिखा है तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, राइट। तो अगर आपका गोल फिक्स होगा तो ही आपको ये सारी चीजें एक बार क्लियर होगी, और ड्रीम का मतलब ही यही है कि आप ड्रीम देखो, सेट टारगेट एंड देन स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट। फाइन, तो अगर आप ये सारे अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन अस, अ सिंगल प्लेस वेयर योर ऑल ड्रीम्स विल कम ट्रू, गणपत यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, राइट। अभी सवाल ये उठता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हमारी हमारी इंस्टीट्यूट की तारीफ कर रहा हूँ, हाउ कैन यू बिलीव, तो आपको कैसे विश्वास होगा कि ये जो सारे ड्रीम्स हमने दिखाए हैं वो सही होंगे यहाँ पे आने के बाद। सो लेट अस हैव सम फैक्ट्स, दैट इज फिगर्स। ये है हमारा प्लेसमेंट का समरी डैशबोर्ड, जो हमारी अभी तक की तीन बैचेस बाहर निकली है। वो तीन बैचेस में आप देखें तो 2020 का प्लेसमेंट, 32 स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड, 29 आर ऑलरेडी प्लेस्ड। 2019 में 54 स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड, ऑल 54 आर प्लेस्ड। 2018 में 29 वर इंटरेस्टेड, 27 आर ऑलरेडी प्लेस्ड। ओके, इंटर्नशिप में तो सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल ही जाती। फाइन, सो यू कैन से दैट अवर प्लेसमेंट रेशियो इज अराउंड 90 to 98%। फाइन, सो प्लेसमेंट इज नेवर एन इश्यू टू अवर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स को एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और स्टूडेंट्स अपना खुद का ऑप्शंस, अपना इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसमें ज्वाइंट होते हैं। 2020 का प्लेसमेंट अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो ये दो स्टूडेंट जो आप देख रहे हो, ये दो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं एक कंपनी दैट इज नॉन एज एम बाइक, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, विद द स्टार्टिंग पैकेज 10 लैक्स। अभी उनकी उम्र है 22 ईयर्स, 22 साल के बच्चे हैं, 10 लैक का पैकेज है, 10 साल के बाद वो कहाँ हो गया आप सोच सकते हो, राइट। ये दोनों स्टूडेंट्स बेंगलोर में हैं। बाकी के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो हुआ है वो अहमदाबाद या गांधीनगर या नज़दीक की आईटी इंडस्ट्रीज में है। दिस स्टूडेंट हैज गॉट दी 5.5 लैक पैकेज, सिनोपटेक, सोल्यूलैब 5 लैक, 4.2, देन इंफोसिस द एमएनसी हैज ऑफर्ड 3.6, अगेन साईबेज, अगेन एन एमएनसी 3.5, देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस ऑफर्ड 3.36 टू ऑल दिस 3 स्टूडेंट्स। तो ये सारे प्लेसमेंट ऑफर्स है इस ईयर के, मतलब कि आप एमएनसी का नाम लीजिए या फिर कोई भी लोकल कंपनी का नाम लीजिए, स्टूडेंट्स को जहां जाना है वहां वो ज्वाइन हो सकते हैं वंस दे गेट इन टू टच विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हायर स्टडीज सेकेंड ड्रीम का अगर हम देखें स्टेटिस्टिक्स, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे 24, 9,
ये 2009 जो है वो 2018 की बैच का है, 24 है 2019 की बैच का है, ओके। एंड यू कैन सी द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू यूएसए, देन दे हैव गॉन टू कैनेडा, दे हैव गॉन टू यूरोप, ऑल्सो देर आर सम स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड, उन्होंने अपनी कैरियर ऐसे दूसरे देशों में पसंद की है और वहाँ पे जाके वो अभी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स एमएस का कोर्स कर रहे हैं, राइट। सो ये देखने के बाद चीज आती है कि आपको आईसीटी क्या ऑफर करेगी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या ऑफर करेगी आपको। इट ऑफर्स यू अ बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स है एंड स्पेशलाइजेशन है, तो सवाल ये उठता है, क्वेश्चन आता है कि स्पेशलाइजेशन क्या है। मैं एक टैग यूज करता हूँ, अ सिल्वर चेन विथ गोल्ड प्लेटिंग। तो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर चेन का मतलब क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। कौन से स्पेशलाइजेशंस हैं? तो स्पेशलाइजेशंस हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। ये तीन स्पेशलाइजेशंस हम ऑफर करते हैं एंड ऑल दिस थ्री स्पेशलाइजेशंस आर इन एसोसिएशन विद आईबीएम, अ टेक जाइंट। स्पेशलाइजेशन में क्या आएगा? जनरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, क्या हमें स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए या हमें सिर्फ कोर ब्रांच में जाना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है, नया कोर्स है, हम इसमें नहीं जाएंगे, पर ऐसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में आपको सारे बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो है वो सारे कवर होने वाले हैं। आप जो भी नाम ले लो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग ले लो, टीओसी, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एट्सेट्रा, सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर साइंस के जो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होने ही वाले हैं। मतलब कि अगर किसी और इंस्टीट्यूट से कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकला और आप यहाँ से सीएसई करके निकले, तो उसने जो भी पढ़ा है वो तो आपके पास है ही। उसके अलावा आपके पास क्या है? इन एडिशन टू दैट आपके पास स्पेशलाइज सब्जेक्ट का नॉलेज है, मतलब कि आप उनसे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। और ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस इंडस्ट्री हमेशा ऑब्जर्व करेगी, वो डिफरेंस आपके रिज्यूम में भी दिखने वाला है, जो हम अभी तक हमारे स्टूडेंट्स के रिज्यूम में ऑलरेडी देख रहे हैं एंड द फीडबैक विच वी गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो मैं कहता हूँ कि ये एक सिल्वर चेन है पर गोल्ड प्लेटेड है, मतलब कि अ कॉमन इंजीनियर एंड अ स्पेशलाइज्ड इंजीनियर हैज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स इन हैंड। सो सवाल ये उठता है कि फिर स्पेशलाइजेशन क्यों करना चाहिए? ऐसा क्या है कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन करें? तो आज की इंडस्ट्री की जो डिमांड है, अगर आप देखें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री डिमांड्स, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इतनी सारी चीज़ें हैं आजकल कि आप नाम ले लो, क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो IBM वॉटसन स्टूडियो, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सेल्स फोर्स, डेवऑप्स, सिसऑप्स, ये सारी चीज़ें ये क्लाउड में अभी इंडस्ट्री में चल रही है। बिग डेटा में अगर जाएंगे, IBM कॉग्नोस, वॉटसन, टेबलू, स्पार्क, हडूप, MongoDB, स्काला, पाइथन, ये सारी चीज़ें आपको बिग डेटा में देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री इन सब की डिमांड करती है। अगर साइबर सिक्योरिटी में आप आएंगे तो IBM का ISIM, निफ्टो, वायरशार्क, एक्सप्लोइट, ये सारी चीज़ें, नेसेस वगैरह जो टूल्स है, काली लिनक्स, अ फेमस टूल, ये सारे साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। मतलब कि अगर आपको बिग डेटा में जाना है तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्लाउड में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि आपको ICT में मिलने वाला है। हमारा हर एक ट्रैक टेक्निकली स्ट्रांग है, हर एक ट्रैक में फैकल्टी टेक्निकली स्ट्रांग है और वो लोग
इन सारी चीजों पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आपको करवाएंगे। सेकेंड रीजन है कि आप क्यों स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो आज की जनरेशन आप देखें, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो देर वेर वेरी लेस पीपल हु वेर यूजिंग स्मार्टफोन्स। आज आप देखो स्मार्टफोन्स इंटरनेट कितने सारे पीपल यूज करते हैं एंड द टेक्नोलॉजीज यू सी ट्विटर एंड फेसबुक एंड एवरीथिंग द सोशल मीडिया एटसेट्रा लाइफ इज चेंजिंग अ लॉट एंड सो द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग अ लॉट। तो अगर आज मैं ये बोलूं कि 10 साल पहले के इंसान को ये पता नहीं था कि 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी क्या होगी, व्हाट विल बी फ्यूचर, या फिर वो ये नहीं सोचा होगा उसने कि 10 साल के बाद मेरा जॉब रोल क्या होगा, मतलब कि मुझे कौन से डेजिग्नेशन में जॉब मिलने वाली। आज जो वर्ड है सपोज डेटा साइंटिस्ट इज अ जॉब रोल इन बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, क्लाउड डेवलपर, दैट इज अ वर्ड यूज फॉर क्लाउड इंजीनियर्स, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कभी 10 साल पहले हमारी टेक्निकल इंडस्ट्री में मौजूद नहीं थे, देयर वाज नो एक्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ड्स, पर आज है। मतलब कि 10 साल पहले किसी को पता नहीं था, तो आज आपको भी पता नहीं है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। पर एक चीज ये समझ लीजिए कि यू कैन नॉट चेंज द फ्यूचर इन फ्यूचर, यू हैव टू चेंज योर फ्यूचर नाउ। आज का आपका डिसीजन कल का आपका फ्यूचर चेंज करने वाला है, राइट। अगर आप आइसक्रीम की दुकान में जाते हो तो आइसक्रीम मंगवाओगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जो सिंपल वेनिला आइसक्रीम ऑफर करें? बहुत कम या फिर जीरो। सभी लोग मांगेंगे फ्लेवर्ड आइसक्रीम। तो क्या इंडस्ट्री भी ऐसे वेनिला इंजीनियर को रखना चाहेगी? नेवर। इंडस्ट्री डिमांड्स अ फ्लेवर्ड इंजीनियर और स्किल्ड इंजीनियर जिसके पास एडिशनल स्किल्स है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि यू हैव टू मेक योर रिज्यूम वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपके पास इंजीनियरिंग के अलावा स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री डिमांड करती है, तो वो चीजें आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। कैसे होगी? हमारे साथ है अटेक जाइंट दैट इज IBM, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स काफी टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं। तो IBM के रोल क्या है वो हम जरा देख ले। रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस, मतलब कि गेट ट्रेन्ड फ्रॉम IBM ट्रेनर्स। हमारे स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट IBM ट्रेनर से पढ़ते हैं, मतलब कि IBM के ट्रेनर्स हमारे यहाँ फुल टाइम आते हैं, पूरा एक सेमेस्टर एक सब्जेक्ट उनको पढ़ाते हैं, और ऐसा हर सेमेस्टर में होता है। मतलब कि हर सेमेस्टर में उनको एक इंडस्ट्री टच वाला सब्जेक्ट मिलता है जिसमें वो अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं थ्रू द प्रोजेक्ट्स एंड अ रिच लेवल ऑफ नॉलेज इन द प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो पहली चीज ये है कि आपको IBM ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग मिलती है, दैट्स अ ग्रेट फॉर्चून। सेकेंड, इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द IBM सॉफ्टवेयर लैब। जो सॉफ्टवेयर लैब आपको एडवांस्ड सब्जेक्ट में लैब प्रैक्टिकल्स के लिए यूज होती है, जिसमें जो भी एडवांस सब्जेक्ट है उस पर हमारे स्टूडेंट्स IBM सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एंड दे हैव अ रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस हाई एंड सॉफ्टवेयर्स। जिससे क्या होता है? इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है, उनका रिज्यूम स्ट्रांग होता है। इंडस्ट्री में जब वो जाते हैं तो ऐसे टूल्स वो लोग
जिसपे काम करके निकलते हैं, जिसका कदर जिसका शायद किसी ने किसी स्टूडेंट ने नाम भी ना सुना हो, एंड दैट इज विद दी IBM एंड गणपत यूनिवर्सिटी। आवर प्रेजेंट लैब हैज़ द कन्फिग्रेशन विथ 32 GB रैम मशीन। हर मशीन में 32 GB की रैम इंस्टॉल्ड है, एंड दैट इज अ टोटली रिसेंटली अपग्रेडेड लैब इन विच द IBM सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड टू बी यूज बाई द स्टूडेंट्स। आज के दिन में जब ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है, तब तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे स्टूडेंट्स घर बैठे भी आज की हमारी कॉलेज की फिजिकल लैब को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो भी IBM की लैब। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हैंड्स ऑन लैब कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आपको, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो। तीसरा रोल IBM का क्या है? IBM गिव्स यू द ग्लोबल सर्टिफिकेट टू ईच स्टूडेंट। तो जो आपको इमेज दिख रही है, इस तरह के IBM सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को मिलते हैं। दिस सर्टिफिकेट यू कैन यूज एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। आप अगर फॉरेन में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इस सर्टिफिकेट से आपको क्रेडिट स्कोर मिल सकता है, जो कि आपको दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मिलता है। या फिर अगर आप इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन यूटिलाइज दिस। दूसरी चीज है IBM AP स्किल्स, एडवांस प्रोफेशनल स्किल सर्टिफिकेट्स, जो आपको एग्जाम देने के बाद मिलेगा। ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के बाद मिलता है, जिसकी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है। एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होने के बाद स्टूडेंट्स मूक एग्जाम देते हैं। मूक एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम। एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्लियर होने के बाद यू आर गिवन दिस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दैट यू कैन अगेन यूज फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब प्लेसमेंट और दी फॉरेन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। तो स्पेशलाइजेशन में आने का आपको इम्पोर्टेंस तो पता चल गया होगा। अब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो भी एक सवाल आता है। तो हमारे पास तीन ब्रांच जो है, क्लाउड, बिग डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी, हर एक के अपने अपने ट्रैक है। अगर हम क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड में ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग एसेंशियल्स, क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वर्चुअलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स क्लाउड में पढ़ेंगे। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी ट्रैक, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन डिफेंसिंग विद पाइथन, साइबर क्राइम एंड लॉ, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक्स एंड सो ऑन, दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स विल लर्न इन दी साइबर सिक्योरिटी ट्रैक। आप ये समझ लीजिए कि आप नॉर्मल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं वाले हैं, पर उसके साथ साथ आप ये सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे। सो आई अगेन कोट दैट सिल्वर चेन विथ गोल्ड प्लेटिंग। तो ये सारा आपका गोल्ड है जो आपके ऊपर प्लेटिंग होने वाला। देन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स इन बिग डेटा एनालिटिक्स, दैट इज BDA, तो मशीन लर्निंग, देन बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग हडूप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस एंड मॉडलिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, दीज आर ऑल द डिमांडिंग सब्जेक्ट्स इन दी बिग डेटा एनालिटिक्स ट्रैक। वट आर दी अदर एसोसिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब कि ICT जो हमारी इंस्टीट्यूट है, वो उसके अदर एसोसिएशन क्या है? वी हैव एसोसिएशन विथ दी अमेजॉन वेब सर्विसेज अकेडमी, जिसपे स्टूडेंट्स कोर्सेज कर सकते हैं। वी हैव एसोसिएशन विथ रेड हैट अकेडमी, इसमें स्टूडेंट्स लिनक्स पे काम कर सकते हैं। वी हैव एसोसिएशन विथ IIT स्पोकन ट्यूटोरियल्स, जो स्टूडेंट्स IIT के एग्जाम्स दे के सर्टिफिकेट्स लेते हैं। सिस्को सर्टिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो एसोसिएशन विथ। वी हैव वर्चुअल लैब विथ दी IIT अगेन, NPTEL एंड स्वयं कोर्सेज, देन इंडो अमेरिकन एजुकेशन सोसाइटी
which helps you a free guidance to move to the foreign universities for higher studies. Okay. Then global standard platforms like Coursera, edX, DataCamp, etc. हमारे यहाँ क्या होता है पता है आपको कि स्टूडेंट्स जो बीटेक करते हैं तो उनके पास मार्कशीट होती है 8 सेमेस्टर की 8 मार्कशीट बट सर्टिफिकेशंस एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस यूजिंग ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स एंड दिस सर्टिफिकेट्स आर मेकिंग देयर रिज्यूम वेरी स्ट्रॉन्ग उनका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बन जाता है ड्यू टू दिस सर्टिफिकेट्स सो ये हुई सारी टेक्निकल बातें अब थोड़े अगर हम डाइवर्ट हो जाए नॉन टेक्निकल आस्पेक्ट पे कि अगर आईसीटी में स्टूडेंट आता है तो क्या उसको सिर्फ पढ़ना ही है व्हाट आर द अदर थिंग्स इन हिज लाइफ एट आईसीटी तो स्टूडेंट डिफरेंट एक्टिविटीज सेलिब्रेट करते हैं वी एवरी ईयर सेलिब्रेट आईबीएम डे दैट इज अ टेक्निकल एक्टिविटी जिसमें आईबीएम के एक्सपर्ट्स भी आके लाइव डेमोज देते हैं राइट Then we have industrial visits and the technical visits, then technical activities, convergence, etc. Then student achievements. And also we have the non-technical activities like tracking camps and cultural fairs, sports fairs, etc. IBM trainings and so on. So ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं. Societal activity भी हमारे बच्चे करते हैं. And we have the parent-teacher meeting after every examination to inform the progress of the student to the parents. Okay, so this was the discussion about the our institute department.